मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना रेलवे स्टेशन सहित आसपास के रेलवे स्टेशनों से निकलने वाली ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर मोबाइल चोरी करने वाले और चोरी के मोबाइल खरीदने वाले एक दुकानदार को एफसीआरपी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किए गए 21 मोबाइल कीमत करीब 2,82,000 जब्त किए हैं। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर। जानकारी कहती है कि बीना विदिशा ललितपुर मंडी बामोरा सहित अन्य जगहों पर ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मोबाइल चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिसके माध्यम से इन मोबाइल को खरीदने वाले दुकानदार तक पुलिस पहुंची और उसे भी गिरफ्तार किया। जीआरपी ने सतभान सिंह पिता आजाद यादव निवासी ग्राम पिपरई ललितपुर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। चोर ने बताया कि उसने चोरी के मोबाइल कच्चा रोड स्थित एक दुकान पर बेचे हैं। उसने 9 मोबाइल प्रति 500 रुपए संदीप उर्फ पप्पू पिता अमृत यादव निवासी सुभाष बाट के लिए बेचे थे। जब संदीप से इसके बारे में पूछा गया तो वह पहले तो मोबाइल खरीदने की बात से इनकार करने लगा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सभी 9 मोबाइल 4,500 रुपए में खरीदने की बात कबूल कर ली। इन मोबाइल की कीमत 1,25,000 रुपए है। इसके बाद जीआरपी आरोपी संदीप यादव व सत्यभान यादव को साथ लेकर पिपरई पहुंची, जहां पर सत्यभान के घर से 9 मोबाइल और जब्त किए गए, जिनकी कीमत 85,000 रुपए है। वहीं जीआरपी थाना में दर्ज 2 मामले में बाकी 3 मोबाइल और जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 57,000 रुपए है। आरोपियों से कुल 21 मोबाइल 2,82,000 रुपए कीमत के जब्त किए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसमें विगत कुछ दिनों से रेलवे परिक्षेत्र में तथा ट्रेनों में अधिक चोरियां हो रही थी, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मैडम है श्रीमती मृगांकी डेखा तथा डीएसपी मैडम बिट्टू शर्मा मैडम द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही थी तथा बताया जा रहा था कि इसमें लगातार आप लोग ट्रेन चेकिंग करें, जिस पर से हम लोगों ने 26 तारीख को आरपीएफ तथा जीआरपी द्वारा संयुक्त चेकिंग की गई तो एक व्यक्ति मिला संदेही, जिस हम लोग को देख के थोड़ा सा भागने लगा, तो हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उससे 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। फिर उसके बाद जब उसका और अधिक थाने पे आके पूछताछ की गई तो उससे उसने 9 मोबाइल एक मोबाइल दुकानदार को बताया बेचना तथा 9 मोबाइल उसने अपने गाँव में रखना अपने घर पे बताया था, जिससे पूरे कुल टोटल मोबाइल 21 मोबाइल जब्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना।